नमस्ते दोस्तों, मैं रागमी अपने YouTube चैनल फैमिली फूड में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हूँ मकुनी की बट्टी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं चना ली हूँ, ये सेका हुआ चना बाजार से लेके आई हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से साफ करूँगे, फिर मिक्सर जार में इसको डाल के पीसूँगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। आप देख सकते हैं कि चक्कू की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से खोल रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि अभी चना में खाले में निकालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, फिर हम मिक्सर जार में इसको पीसते हैं। आप देख सकते हैं चने का छिलका मैं अच्छी तरह से निकाल ली हूँ। अब हम मिक्सर जार में डाल के पीसूंगे इसको। कितनी अच्छी तरह से हमारा चना पिसा गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम अब इसको बनाएंगे मकुनी की बट्टी। आप देख सकते हैं कि चना को मैं अच्छी तरह से पीस ली थी। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, जो कि मैं बारीक बारीक काट ली हूँ एकदम से। और अब देखिए, मैं थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ। अब डालूंगी लहसुन, मैं छोटा छोटा काट ली थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा सौंफ है और इसमें कलौजी है, ये भी मिला देती हूँ साथ में। और ये आप देख सकते हैं कि मैं अचार का मसाला मिला रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मिलाऊंगी मैं नमक, स्वाद के अनुसार अपना नमक मिला देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं नमक को मिला दे रही हूँ। और मिलाऊंगी मिर्चा, देख सकते हैं कि मैं एक चम्मच मिर्चा पाउडर मिला रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको हाथ के सहायते से अब इसको हम मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैं इसमें अब थोड़ा से सरसों का तेल डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम सब मसाले मिला के अच्छे से इसको रख देते हैं, फिर हम आटा लगाते हैं अपना। आप देख सकते हैं मेरा मसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लगाते हैं इसमें आटा। तो आटे में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा तेल। हम इसमें दो तीन कड़ी तेल डालेंगे। हमारा मकुनी का बट्टी जो बहुत खस्ता बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। अब हम इसको मिला के फिर आटा को सानते हैं। देखिए मैं आटा को सानते हूँ अच्छी तरह से। थोड़ा आटा कड़क ही सानूंगी ताकि हमारा मकुनी का बट्टी जो है खस्ता बने और अच्छा भी लगे खाने में। आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से अपने आटे को सान ली हूँ। अब हम डालूंगे कढ़ाई में तेल। गैस को चालू कर देते हैं ताकि तेल लाल हो जाए। अब हम इसमें मैं सरसों का तेल डालती हूँ बट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा। अब हम मिक्स कर देते हैं इसमें सब। अब हम छोटी छोटी लोई को काट लेते हैं बट्टी बनाने के लिए, तब तक हमारा तेल लाल होते रहे। देखिए
इस तरह से आप देख सकते हैं कि आटे को मैं पूरी जैसे बेल रही हूँ, छोटी छोटी, बस इतना ही बेलूंगी छोटा। अब इसको कटोरी जैसा बना लेती हूँ। अब इसमें भरती हूँ ये चने को जो बनाए थे अपना, देखिए ऐसे मोड़ देने का। अब हम इसको बीच में से थोड़ा काट के निकाल लेते हैं। अब हम ऐसे दबा देंगे, ऐसे रख देते हैं, तेल लाल हो जाए फिर इसमें डालते हैं। देखिए ऐसे कर देने को और ऐसे दबा देने को। तेल लाल हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं वट्टी को ताकि अच्छे से पके। आप देख सकते हैं मैं बट्टी के साथ चोखा भी बनाऊंगी, तो मैं चोखे के लिए बटाका ली हूँ और टमाटर ली हूँ, बैंगन ली हूँ, मटर ली हूँ, मटर भी डालूंगी चोखे में, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में चोखा हमारा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बट्टी को चलाते हैं, देखिए ताकि हमारा बट्टी जल ना जाए। देखिए दोस्तों बस इसी तरह से हम सारी बट्टियों को बना के रेडी कर लेते हैं अपने, फिर हम बनाते हैं चोखा। तो देखते रहिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं कि मैं धीमी आंच में बट्टी को पका ली हूँ, ताकि धीमी आंच में पकाने से दोस्तों कि अच्छे से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है। आप देख सकते हैं मैं बट्टी को डिश में निकाल ली हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बट्टी को कैसे अच्छी तरह से पका ली हूँ, अब देखिए इसमें का अंदर का मसाला कितना अच्छा लग रहा है देखने में और अच्छे से पक भी गया है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।